अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन ग्रुप के हिसाब से। अब कीटोन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द कीटोन ग्रुप, हम किसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या होता है कि जब क्या होता है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या अरैल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि अल्केन ग्रुप होना चाहिए, अरैल ग्रुप का मतलब होता है कि एरोमेटिक ग्रुप होना चाहिए। जब क्या होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, मतलब कि आर और आर का बॉन्ड्स बनाओ किसके साथ, कार्बन का, और उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स में और यहाँ पे दूसरा आर ग्रुप कनेक्ट हो या कोई अरैल ग्रुप कनेक्ट हो, मतलब कि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड्स बना हुआ है उस कार्बन के बोथ साइड में या तो अल्काइल ग्रुप या तो अरैल ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ कीटोन का उसको हम नाम देते हैं। अब इसके क्या होते हैं कि दो टाइप के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आइपेक नेम। कॉमन नेम आप चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख के नाम दे सकते हैं, आईपैक नेम जो होता है वो एक रूल के हिसाब से नाम दिया जाता है, जो मैंने यहाँ पे रूल लिखे हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 लगते हैं, ये CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये CH3 लग दिया। अब ये क्या है कि ये तो एक कीटोन ग्रुप लिखा हुआ है, इस कीटोन ग्रुप के एक साइड में इथाइल और एक साइड में क्या है कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप नाम जो देंगे वो इथाइल मिथाइल कीटोन नाम रखेंगे। इथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा, कीटोन नाम हो जाएगा, या मिथाइल इथाइल क्या हो जाएगा, इसका कीटोन नेम हो, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होते अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप रखते हैं CH3 और यहाँ पे CH2, तो ये कौन सा नाम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। लेकिन इसी कंपाउंड्स के एज अ रूल के हिसाब से नाम दिया जाता है, जिसको हम नाम कहते हैं क्या, आईपेक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से आप इसका नाम देंगे। इसका रूल क्या होता है कि रूल ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन व्हिच आर कनेक्टेड विद द कीटोन ग्रुप के साथ, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें जिसमें कीटोन ग्रुप क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। उसके बाद नंबर द लॉन्गेस्ट चेन जहां से हमारे पास नियर होगा, क्या नियर होगा, कीटोन ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए कि नियर करीब होना चाहिए, मतलब कि एक हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, अब इसको क्या देंगे, नंबर देंगे, नंबर वहां से देंगे जिस साइड में ये कीटोन ग्रुप क्या होगा कि करीब होगा। जैसे कि ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये 4 और ये 5 हो गया। उसके बाद राइट द नेम ऑफ ब्रांच का नाम लिखें जो इसके साथ क्या है कि कोई भी कनेक्टेड है, जैसे कि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है तो आप इसका नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उस ब्रांच का आप अल्फाबेटिक के साथ नाम लिखेंगे। उसके बाद राइट द नेम ऑफ साइक्लो, अगर उसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स कनेक्टेड है तो आप साइक्लो वर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद राइट द नेम ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद लास्ट रूल होता है राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब ये क्या कि 2 कार्बन पे कीटोन है, तो ये 2 क्या हो जाएगा लास्ट में। अच्छा, जब आप नाम देंगे ना उसके साथ आप लास्ट में ओ एंड ई लाजमी लिखेंगे, ओ एंड ई क्या करेंगे, लाजमी आप लिखेंगे किसको, माइनस ई को करके। जैसे कि यहां पे क्या है कि 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 पेंटेन, उसके बाद लास्ट में ओ एंड ई, 2 पेंटेन नॉन हो जाएगा, 2 पेंटेन नॉन हो जाएगा। अगर दूसरी बनाते हैं, ये CH3 हमने CH2 रखा, ये भी CH, ये कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप रख दिया, ये CH2 रखा, ये CH और ये CH3 रख दिया। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने CH3 रखा है फंक्शनल ग्रुप तौर पे, और यहाँ पे जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप रखा है वो क्लोरीन रखा है। अब इसको क्या करेंगे, नंबर वहां से देंगे जिस साइड में हमारे पास क्या होगा कीटोन ग्रुप करीब होगा। अगर यहाँ से देते 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ से दे 1 2 3 4 को, तो कहीं से भी आप दे सकते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 नाम हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच के बाद आप चेन का नाम लिखेंगे। 3 कार्बन पे क्या है कि क्लोरो है, 3
ये क्लोर हो जाएगा, उसके बाद सिक्स कार्बन पे क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप हटे, ये सिक्स क्या हो गया कि मिथाइल हो गया, उसके बाद चार पे क्या है कि कीटोन है, तो ये हो जाएगा टोटल कार्बन की चेन कितनी है, अब टोटल कार्बन की चेन है सेवन, तो ये हो जाएगा ये टोटल चार हेप्ट, ये हेप्टे नॉन हो जाएगा, हेप्टे नॉन चार फोर पे यहाँ पे, तो ये फोर हेप्टे नॉन हो जाएगा, या आप देख सकते हैं कि थ्री मिथ थ्री क्लोरो, ये थ्री क्लोरो सिक्स क्या है के मिथाइल है, ये सिक्स मिथाइल, उसके बाद ये चार कार्बन से हेप्टेन, उसके बाद ये फोर ओ एन ई, फोर हेप्टेन के बाद आप ओ एन ई लगाएंगे, मतलब कि फोर कार्बन पे क्या है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद दूसरी पॉइंट से कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे हो, ये इसको हम ऐसे बनाते हैं कि चेन को, यहाँ पे ये चेन हमने बना दी, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन का यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ये हमने लगा दिया है, अब इसको नाम कैसे देंगे, आप इसको नाम जो देंगे नंबरिंग दे, ये हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, और ये फोर, और ये फाइव, और ये सिक्स, ये सेवन है, देखिए सेवन कार्बन से तो एक का कीटोन थ्री पे, एक फोर पे, एक फाइव पे कार्बन लगा हुआ है, तो आप इसको नाम कैसे देंगे, ये थ्री कामा फोर कामा फाइव, उसके बाद देखिए कितने हैं कि जो हमारे पास चेन बना हुआ है वो तीन कीटोन ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है, ये हो जाएगा हेप्ट, उसके बाद नेम, उसके बाद ट्राई, उसके बाद आप ऑन लगा दें, यहाँ थ्री कामा फोर कामा सिक्स, ये ट्राई हेप्ट, ये ट्राई हमारे पास, ये हेप्ट, उसके बाद हेप्ट नॉन, ये हो जाएगा ट्राई हेप्ट नॉन हो जाएगा, तो आप इसका आराम से नाम लिख सकते हैं, जब हमारे पास क्या होगा कि आपके पास ये रूल का ऐसा पता चलेगा कि नंबरिंग वहां से देनी है जिस साइड में कीटोन ग्रुप कनेक्टेड होगा करीब, उसके बाद जितने भी है वो वन है तो मोनो, दो है तो डाय, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा का नाम लिखेंगे, अगर जैसे कि हमारे पास क्या होगा साइक्लिक फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में कैसे होगा कि अब यहाँ पे ये कार्बन बना हुआ है, इसके साथ ये बना दिया, अब ये क्या हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर है, तो ये हो जाएगा ये ब्यूट साइक्लो साइक्लो ब्यूटे नॉन हो जाएगा, ये बन गया, उसके बाद जैसे कि अगर ये इस तरीके से बना है तो ये इस तरीके से बना है, और यहाँ पे ये कीटोन है और यहाँ पे ये स्त्री लगा हुआ है, आप नाम कैसे दे सकते हैं, ये हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, तो ये हो जाएगा टू मिथाइल साइक्लो, ये साइक्लो, उसके बाद कितनी कार्बन से पांच है ना, तो ये पेंटे नॉन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा टू मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉन, तो ये आप आराम से आसानी से आप किसी भी कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।